बिहार में कभी चारा घोटाले का जिक्र सबसे बड़े घोटाले के तौर पर होता था, लेकिन सृजन घोटाले ने चारा घोटाले को काफी पीछे छोड़ दिया है। तकरीबन 1000 करोड़ रुपए को टच कर चुके सृजन घोटाले से बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा का मानसून सत्र सृजन घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। सड़क से लेकर सदन तक में लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर हमला बोला। लालू के लाल तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं घूम घूम कर पूरे देश के लोगों को सृजन घोटाले का सच बताऊंगा। सदन के बाहर और भीतर भी सरकार विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। हम लोगों ने विशेष चर्चा के लिए कार्य स्थगन किया था, पर उसे मंजूर नहीं किया गया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पद पर रहेंगे, तब तक निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। तेजस्वी के तेवर से साफ है कि आरजेडी ने सृजन घोटाले के बहाने नीतीश कुमार की मिस्टर क्लीन की छवि पर हमला बोला है। दरअसल लालू यादव की रणनीति है सृजन घोटाले के मुद्दे पर नीतीश की छवि को सूबे की जनता के सामने कमजोर करना, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति की दुहाई देते रहते हैं। साथ ही लालू यादव महागठबंधन की सरकार गिरने के मामले में भी नीतीश कुमार से हिसाब चुकता कर देना चाहते हैं। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने में देरी नहीं लगाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि सृजन घोटाले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। खाते में जमा हो, विभिन्न खातों से कैसे वो पैसा फर्जी ढंग से हस्ताक्षर से कैसे निकलता है और कहां चला जाता है आपको मालूम है? ये जो चेकबुक है, चेकबुक भी डीएम को मालूम नहीं है, लेकिन बैंक से कि चेकबुक खत्म हो गया है, चेकबुक जारी करिए, अब वो चेकबुक बैंक का डीएम के ऑफिस में नहीं आता, चला जाता है दूसरे धंधेबाजों के। आप सोच लीजिए कैसा है, कभी कभी तो आश्चर्य लगता है, कैसी मनस्थिति है, कैसी मानसिकता है, दो नंबर से पैसा कमाने का कैसा एक एक जिसको कहिए कि मानसिक स्थिति लोगों की होती है। एक नहीं बक्से जाएंगे, और जान लीजिए वही नहीं, वहां की बात आई, एक चेक बाउंस किया तब पता चला, किसी को तो पता भी नहीं चलता। सरकारी राशि अकाउंट में पैसा है और चेक निर्गत किया जा रहा है और वो बाउंस हो गया, तब ये सारा भेद खुला। अब जब सारा भेद खुला तो एक एक चीज की जांच होगी, कैसे हुआ, कौन इन्वॉल्व थे, कैसे इस तरह की संस्था को सरकारी भवन में जगह मिल गई, क्या क्या हुआ वहां, अकाउंट का पैसा कैसे जाने लगा, किस प्रकार से हुआ, एक एक चीज की जांच होगी। और जो भी जिम्मेवार है बचे उचेंगे नहीं, और जो ही पैसा लेकर के इधर उधर धंधा में गए होंगे कहां बच कर गए। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी दावा किया है कि बीजेपी के लोग भी अगर घोटाले में शामिल होंगे तो वो बचेंगे नहीं। सुशील मोदी ने कहा कि सभी आरोपियों को चुन चुन कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ है कि सृजन घोटाले पर बड़ा सियासी घमासान मचा है, लेकिन नीतीश सरकार को ये जवाब देना ही होगा कि आखिर सरकारी खजाने से तकरीबन 1000 करोड़ रुपए निकल गए और पूरा सिस्टम सोता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।